नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि रिट पिटीशन किन किन प्रकार के होते हैं। अब रिट पिटीशन किन किन प्रकार के होते हैं उन्हें समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रिट पिटीशन होती क्या है, और इस चीज को भी समझने से पहले जो इसका बेसिस है, जो फाउंडेशन है इस चीज को समझने का, वो ये है कि हमें क्या क्या कानूनी अधिकार मिलते हैं। हमें जो कानूनी अधिकार मिलते हैं, दोज राइट्स आर अंडर द सिविल लॉ, द क्रिमिनल लॉ एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब जो सिविल लॉ के जो हमें अधिकार मिलते हैं, दैट इज फॉर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। मान लीजिए ए का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें डिस्प्यूट हो गया, तो दैट इज बिटवीन ए एंड बी, उसकी जो रेमेडी होगी दैट विल लाई अंडर द सिविल लॉ। अब इसके अलावा देयर आर रेमेडीज अवेलेबल अंडर द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ की जो रेमेडीज होती है वो इस प्रकार की होती है कि वो जो रॉन्ग्स है दे आर ग्रेटर देन सिविल रॉन्ग। मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ ए और बी के बीच का है, बट अंडर द क्रिमिनल लॉ रॉन्ग जो होता है वो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हुआ, सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मर्डर का केस। अब मर्डर, मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो दिस इज नॉट जस्ट एन ऑफेंस अगेंस्ट बी बट द सोसाइटी एज अ होल। तो इसमें बी के बिहाफ पे या बी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अगर केस एफआईआर वगैरह फाइल करते हैं तो उसके बिहाफ पे स्टेट लड़ेगी, बिकॉज द ऑफेंस इज ग्रेव, इज सीरियस इनफ टू नॉट कॉन्स्टिट्यूट जस्ट अ सिविल ऑफेंस। दो इंडिविजुअल्स के बीच का ऑफेंस नहीं है, वो बहुत सीरियस ऑफेंस है, उसके लिए स्टेट लड़ेगी। अब ये हुआ सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज जो हमें अवेलेबल है अंडर द सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। अब जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आज की डिस्कशन के लिए हमारे लिए रेलिवेंट है, वो है लीगल रेमेडीज अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो हमारे भारत में जितने कानून है उसका बेसिस है। उसका कोई भी कानून जो भारत में पास होता है, इट कैनॉट बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो असंवैधानिक नहीं हो सकता। कोई भी कानून जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है, अगर वो संविधान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा, उस लॉ को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। और इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अधिकार हमें दिए गए हैं, संविधान हमें ये अधिकार देता है। वैसे तो ये अधिकार संविधान भी नहीं देता, ये अधिकार इनको इतना इंपॉर्टेंट माना गया है कि हर इंडिविजुअल को उसके बर्थ से मिलता है और कॉन्स्टिट्यूशन इसे रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो अधिकार है इनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 भाग 3 में आता है। अब अगर इन राइट्स का, ये जो फंडामेंटल राइट्स है और इनका जो नाम है उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये राइट्स इतने बेसिक है, इतने फंडामेंटल है कि कोई भी आपसे नहीं ले जा सकता, ना कोई इंडिविजुअल ले जा सकता है, ना सरकार ले जा सकती है, ना स्टेट ले सकती है आपसे ये राइट्स आपके पास बाय बर्थ होते हैं। और अगर इन राइट्स का कोई वायलेशन होता है तो इन दैट केस रिट रेमेडीज कम इन। रिट रेमेडीज ना केवल फंडामेंटल राइट्स में आती है, कुछ अदर राइट्स भी हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस डिस्कशन में। बट हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन राइट्स को देती है, फंडामेंटल राइट्स को देती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स है, जिनके बिना कि आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एन एनिमल एग्जिस्टेंस, अगर ये राइट्स स्टेट आपको मुहैया नहीं कराती, या ये राइट्स आपसे छीन लिए जाते हैं, तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इट बिकम्स अ बेयर एग्जिस्टेंस, एन एनिमल एग्जिस्टेंस। और ये जो राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दी गई हैं। और जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अगर उनकी वायलेशन होती है, तो देयर कम्स इन रिट रेमेडीज। आपकी अगर इन राइट्स की वायलेशन होती है तो आप डायरेक्टली, आपको कोई लोअर कोर्ट में, सबॉर्डिनेट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुपीरियर कोर्ट्स के पास जा सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं ये रिट पिटीशन क्या होती है। अब दोस्तों, रिट क्या होती है? रिट इज अ रिटन ऑर्डर, एक लिखित ऑर्डर हाई कोर्ट्स का, किसी भी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। अब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, इनको हम कहते हैं सुपीरियर कोर्ट्स, क्योंकि इनके नीचे जो कोर्ट्स आते हैं उनको हम कहते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, या जो भी सिविल जज के कोर्ट्स होते हैं, ये सारे होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। रिट जो होती है सीधा जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और ये जो रिट पिटीशन है किसी भी हाई कोर्ट में फाइल हो सकती है। इंडिया के जितने स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं, ये रिट पिटीशन किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में यह फाइल होती है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
और हाई कोर्ट में फाइल होती है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ तब फाइल होगी जब आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, और अंडर आर्टिकल 226 आर्टिकल के अंडर आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट्स या कोई दूसरे राइट्स का वायलेशन होता है। तो बेसिकली हाई कोर्ट के पास जो रिट पिटीशन का जो स्कोप है, इट्स वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। इसका रीजन ये है कि हाई कोर्ट जो होते हैं, दे आर लोकली सिचुएटेड, एक स्टेट के अंदर सिचुएटेड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज इन द सेंटर, हाई कोर्ट इज लोकली सिचुएटेड। अब प्रिजम्पशन या जो रीजनिंग है लॉ की, वो ये है कि हाई कोर्ट्स आर बेटर सूटेड कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझने में और रिलीफ मुहैया कराने में। तो बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट या कोई भी दूसरी राइट, एनी अदर राइट, उनका अगर खंडन होता है, उनका अगर वायलेशन होता है, तो यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट जो होती है, इट एक्सटेंड्स टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दैट स्टेट। रिसेंट पास्ट में ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल की है और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को कहा है कि नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से ये रिट पिटीशन को डिसाइड करवाइए। अगर उसके बावजूद आपकी कोई प्रॉब्लम है या आप इफ यू आर स्टिल अग्रीव्ड, तो देन यू कम बिफोर अस। इसका रीजनिंग यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को अप्रिशिएट करती है या इस चीज को समझती है कि हाई कोर्ट्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू अप्रिशिएट द लोकल इश्यूज, जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए हाई कोर्ट बेटर सूटेड है देन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सेंटर में है, और हाई कोर्ट जो है वो एक स्टेट में सिचुएटेड है। तो जो भी लोकल प्रॉब्लम्स होती है, हाई कोर्ट्स आर इन अ बेटर पोजीशन टू अप्रिशिएट इट। इसी वजह से आप हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के लिए या एनी अदर राइट्स की वायलेशन के लिए हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट व्हाट इज अ रिट पिटीशन। अब रिट पिटीशन किन प्रकार के होते हैं वो हम आपको बता दें। जो रिट पिटीशन हमें अवेलेबल है वो पांच प्रकार की है। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शरी एंड फिफ्थ रिट ऑफ क्वो वारंटो। अब ये नाम आपको सुनने में काफी अटपटे लग रहे होंगे, क्योंकि ये जो नाम है ये इंग्लिश या हिंदी के टर्म्स नहीं है, ये लैटिन के टर्म्स है, पर इनका मतलब बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आता है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या है, ये एक लैटिन का वर्ड है और इसका मतलब है टू हैव द बॉडी। अब किसकी बॉडी हैव करनी है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, उसे इलीगली डिटेन किया गया है बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर उसको इलीगली डिटेन किया गया है, तो कोर्ट एक रिट इशू करेगी उस पब्लिक बॉडी को या प्राइवेट पर्सन को कि यू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, कि उस जिसको आपने इलीगली डिटेन किया है उसे हमारे सामने आप प्रोड्यूस करो, और फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उसकी डिटेंशन जो है वो लीगल है या इलीगल है। अब दोस्तों, हमें संविधान राइट टू लिबर्टी ग्रांट करता है। एक लिबर्टी एक ऐसा राइट है जो कि मतलब बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है फॉर एनीवनस एग्जिस्टेंस। राइट टू लिबर्टी के बिना किसी भी इंसान की एग्जिस्टेंस जो है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमल एग्जिस्टेंस। तो इसी वजह से जो हेबियस कॉर्पस का रिट पिटीशन है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेक्रेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। तो बेसिकली रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस तब इशू होगा जब किसी को किसी प्राइवेट पर्सन ने या किसी पब्लिक बॉडी ने इलीगली डिटेन किया है। अब ये समझ लेते हैं कि ये रिट पिटीशन कब इशू होगा, ये रिट पिटीशन कब इशू नहीं होगा, और ये रिट पिटीशन फाइल करने का तरीका क्या है। ये रिट पिटीशन ना केवल एक पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट इशू हो सकता है, ये रिट पिटीशन एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है। और ये रिट कब इशू नहीं होगा, ये रिट तब इशू नहीं होगा जब डिटेंशन लीगल है। मान लीजिए पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, अब अरेस्ट करने के बाद सीआरपीसी में तमाम प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि अरेस्ट किन सिचुएशन में, किस सिचुएशन में लीगल होगा। अब पुलिस अगर अरेस्ट करने के बाद वो सारा प्रोसीजर फॉलो करती है, देन दैट डिटेंशन इज लीगल। अब किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया है, मजिस्ट्रेट से उसकी रिमांड मांगी है, मजिस्ट्रेट ने रिमांड अलाउ कर दी है, तो इन सच ए केस द डिटेंशन इज नॉट इलीगल। बट मान लीजिए पुलिस ने किसी को बस अपने किसी के घर से उठा करके पुलिस थाने में बिठा दिया है और उसको अरेस्ट नहीं किया, पर उसे डिटेन कर लिया है और उसको जाने नहीं दे रही,
और ना उसका अरेस्ट मेमो बना रही है, ना उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रही है. इन सच ए केस दैट अरेस्ट या वो जो डिटेंशन है दैट इज इलीगल, एंड इन सच ए केस रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी फाइल्ड. दोस्तों हम आए दिन सुनते हैं कि कैसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को पुलिस इलीगली डिटेन करती है. तो इन सच ए सिचुएशन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिट, आप इसको समझ ही सकते हैं कि रिट हमारी कंट्री में स्पेशली कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण है. अब ये रिट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई फॉर्मल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं. यू कैन फाइल अ फॉर्मल एप्लीकेशन, जो रिट पिटीशन का फॉर्मेट होता है, आप उसके तहत भी फाइल कर सकते हैं रिट. बट अगर एक इनफॉर्मल एप्लीकेशन भी आती है कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने, इवन दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इन एप्रोप्रिएट केसेस. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ लेटर, नॉट इवन बाय द अग्रीव्ड पर्सन, बट उसका जो को कॉन्विक्ट था, जेल से एक को कॉन्विक्ट ने जो विक्टिम था उसके लिए लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पोस्ट कार्ड पे उस जो वो जो लेटर था, लेटर पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन माना, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस माना, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस पास करी. ये जिस केस की मैं बात कर रहा हूं वो है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट केस है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बस एक पोस्ट कार्ड के ऊपर रिट इशू किया था. एंड फाइनली दोस्तों, क्या यह रिट केवल जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो उस डिटेंशन से अग्रीव्ड है या जो उस डिटेंशन से पीड़ित है, क्या सिर्फ वो फाइल कर सकता है? नहीं, ये रिट जो है, ये रिट पिटीशन जो है, ये कोई भी फाइल कर सकता है जिसको इस इलीगल डिटेंशन के बारे नॉलेज है, वो भी उस अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे ये रिट फाइल कर सकता है. अब दूसरा दोस्तों रिट जो है वो है रिट ऑफ मैंडमस. मैंडमस भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू इशू अ मैंडेट या वी कमांड. जब एक सुपीरियर कोर्ट किसी भी निचली कोर्ट को या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को या किसी भी सरकारी अथॉरिटी को डायरेक्शन देती है कि आपकी लॉ के तहत, कानून के तहत आपकी ये ड्यूटी है टू परफॉर्म दिस ड्यूटी, पर आपने उसे परफॉर्म नहीं किया, यू हैव फेल्ड टू परफॉर्म दिस ड्यूटी एंड नाउ यू परफॉर्म दिस ड्यूटी. जब सुपीरियर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, सरकारी अथॉरिटी को ये डायरेक्ट करती है कि आप अपनी पब्लिक अथॉरिटी को परफॉर्म करें जिसको आप नहीं कर रहे हैं, ये जो कमांड होता है, ये जो मैंडेट होता है, ये जो डायरेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड अ रिट ऑफ मैंडमस. अब ये रिट किन किन के अगेंस्ट इशू हो सकता है? ये किसी भी सरकारी ऑफिशियल के अगेंस्ट हो सकता है, स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, या फिर किसी भी इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट इशू हो सकता है. और ये रिट तब इशू होगा जब ड्यूटी टू परफॉर्म द पब्लिक फंक्शन इज ऑफ अ मैंडेटरी नेचर. ये रिट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है. सेकेंडली, रिट ऑफ मैंडमस किसी भी स्टेट के गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडमस इशू नहीं होता. एंड थर्डली, रिट ऑफ मैंडमस किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट इशू नहीं होता अगर वो अपनी जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड फोर्थली, ये रिट किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को एनफोर्स करने के लिए इशू नहीं होगा. अब दोस्तों, इन द केस ऑफ विजया मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान क्या हुआ था कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने रिट पिटीशन फाइल की थी इन द हाई कोर्ट प्रेइंग फॉर डायरेक्शंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट कि स्टेट गवर्नमेंट एक कमीशन गठित करे, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करे जिसमें कि स्टेट में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रहे हैं उसको असेस ये कमीशन करे. अब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन ये पास करी कि ये जो अथॉरिटी है, जो ड्यूटी है स्टेट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, दिस इज ऑफ अ डिस्क्रिशनरी नेचर, ये मैंडेटरी नेचर का नहीं है. स्टेट गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करके ऐसे कमीशन का गठित कर सकती है. दिस इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को इस ग्राउंड पे डिसमिस किया था कि ये जो ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट की, दिस इज नॉट ऑफ अ मैंडेटरी नेचर, ये डिस्क्रिशनरी नेचर की एक ड्यूटी है, एंड देयरफॉर रिट पिटीशन इसमें डिसमिस हुई थी, रिट इशू नहीं हुआ था. दिस वॉज अबाउट द रिट ऑफ मैंडमस. अब नेक्स्ट जो रिट है दैट इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन. अब दोस्तों, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन एक इंग्लिश वर्ड है और प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को रोकना, टू फॉरबिड, किसी को भी रोकना. तो ये रिट एक सुपीरियर कोर्ट तब इशू करती है जब जो इंफीरियर कोर्ट है, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, वो अपनी अथॉरिटी को या अपने पावर को एक्सीड करती है या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कमिट करती है. अब ये जो रिट है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज. ये कोई भी
पब्लिक अथॉरिटी पे इशू नहीं हो सकती। कहने का यह मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी जो जुडिशियल फंक्शंस करती हो, जहां पर कि एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड होता है, इन दैट केस ओनली दिस रिट कैन बी इशूड। ये रिट किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे इशू नहीं हो सकता है, और ये जो रिट है किसी भी पेंडिंग केस में इशू होता है। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिट पे, जो कि है रिट ऑफ सर्शररी। सर्शररी का लिटरल मीनिंग होता है टू सर्टिफाई। अब रिट ऑफ सर्शररी और रिट ऑफ प्रोहिबिशन में एक सिमिलैरिटी है, वो ये है किसी भी जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी से अगर कोई ऐसा फैसला पास होता है जिससे कि वो अपनी ज्यूरिडिक्शन को एक्सीड करा है उन्होंने, या उन्होंने किसी तरीके से इनजस्टिस कमिट किया है, इन दैट केस अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्शररी कैन बी इशूड। बट इसमें एक बेसिक डिफरेंस यही, प्रोहिबिशन का जो रिट है दैट इज इशूड इन अ पेंडिंग मैटर, और सर्शररी का जो रिट है दैट इज इशूड इन अ मैटर विच हैज बीन डिसाइडेड, या एक कंप्लीट मैटर में इशू होगा जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड होकर कंप्लीट हो चुका है। और ये जो रिट ऑफ सर्शररी है ये किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता। अब दोस्तों फाइनली जो फिफ्थ रिट कोई भी सुपीरियर कोर्ट इशू कर सकता है, दैट इज अ रिट ऑफ क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट वारंट या अथॉरिटी, मतलब कौन सी अथॉरिटी से। अब ये जो रिट होता है ये कोई भी सुपीरियर कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को इशू कर सकता है इस चीज की इंक्वायरी करने के लिए कि आप किस अथॉरिटी से, आप कानूनी किस तरीके से अपने पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, आप कानूनी किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं अपने पोस्ट को होल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो एज अ पब्लिक ऑफिशियल दो पोस्ट होल्ड कर रहा है, और उसके अगेंस्ट किसी ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है कि सच एंड सच पर्सन इज होल्डिंग टू पोस्ट एज अ पब्लिक ऑफिशियल, तो इन सच ए केस द हाई कोर्ट मे या सुप्रीम कोर्ट मे इशू अ रिट ऑफ क्वो वारंटो आस्किंग दैट पर्सन जो दो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उनको पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए आप किस अथॉरिटी से एक नहीं दो पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। और ये जो रिट है ये ना केवल अग्रीव पर्सन, ये कोई भी इस रिट को फाइल कर सकता है, इस रिट पिटीशन को फाइल कर सकता है। और द आइडिया इज कि जो पब्लिक पोस्ट होती है दे आर ओपन टू एवरी वन, और अगर कोई गलत तरीके से उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है तो ना केवल जो अग्रीव्ड है बल्कि कोई भी इस चीज के लिए कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, और कोर्ट इस चीज को उनसे पूछेगी जो इस जिनके अगेंस्ट ये रिट फाइल हुआ है। दोस्तों खत्म करने से पहले रिट के बारे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दें। प्रायर टू 1950 ये जो रिट्स हैं दीज कुड बी इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकटा, मद्रास एंड बॉम्बे। इट वाज ओनली आफ्टर 1950 कि दूसरे हाई कोर्ट्स को भी पावर मिली रिट्स को इशू करने का। सेकेंडली ये जो रिट पिटिशंस हैं या पावर टू इशू रिट्स है ये इंग्लिश लॉ से हमने बोरो किया है, इंग्लैंड में इसे प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। एंड थर्डली आउट ऑफ ऑल दीज रिट्स, इन सारे रिट्स में से मैंडमस का स्कोप सबसे वाइड है, क्योंकि हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्शररी और क्वो वारंटो ये स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में ही रिट्स इशू हो सकते हैं। हेबियस कॉर्पस जब किसी को इलीगली डिटेन किया गया है, क्वो वारंटो जब किसी ने पब्लिक ऑफिस को गलत तरीके से होल्ड किया है, सर्शररी एंड प्रोहिबिशन अगर मिसकैरेज ऑफ लॉ हुआ है। बट मैंडमस में कोर्ट्स जो है वो कमांड कर सकती हैं किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, किसी भी सरकारी ऑफिसर को, किसी भी ट्राइब्यूनल को, किसी भी कोर्ट को, इंफीरियर कोर्ट को, टू परफॉर्म देयर पब्लिक फंक्शंस विच दे आर लीगली ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म। सो आउट ऑफ ऑल द रिट्स द स्कोप ऑफ मैंडमस इज द वाइडेस्ट, मैंडमस का स्कोप सबसे ज्यादा वाइड है। एंड विद दैट फ्रेंड्स वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, और अगर आपको लगता है कि इस डिस्कशन से किसी का फायदा हो सकता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जो इस इन वीडियोस को, इन डिस्कशंस को पब्लिश करने का उद्देश्य ये है, इसकी इंटेंशन ये है कि जो राइट्स हैं वो एक लॉ की बुक में, कानून की किताब में बंद होकर ना रह जाए, ये राइट सबको मिलनी चाहिए। क्यों जो कानून के अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो बस कुछ चंद लोगों को जो कि लॉ के रेमेडीज को अवेल करना अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उनको नहीं, ये जो राइट्स हैं ये हमें सबके लिए बराबर हैं। जो भी, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके स्किन का कलर जो भी हो, ये जो संवैधानिक राइट्स हैं ये हम सबको, एज लॉन्ग एज वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इन सम केसेस नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं।
तो ये जो डिस्कशंस है इनको करने का उद्देश्य ये है कि जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन से गांव गांव कोने कोने हर जगह ये इंटरनेट गया है, तो इसका फायदा भी सबको पहुंचना चाहिए, जिससे कि हम सबको अपने राइट्स के बारे, अपनी ड्यूटीज़ के बारे पता हो, ताकि कल की डेट में आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कि आप अनश्योर हैं, जहाँ आपको पता नहीं है कि आपकी राइट है या नहीं है, तो आपको उस चीज़ के बारे जानकारी हो। मैंने कई जगह देखा है जहाँ पर कि एक किसी का राइट है उस लीगल रेमेडी को अवेल करने का, वहाँ वो सरकारी दफ्तरों में जाकर हाथ जोड़कर खड़े हैं किसी तरीके से काम कराने के लिए। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, जो आपका राइट है वो आपका राइट है, यू शुड डिमांड इट। जो आपकी ड्यूटी है वो आपको भी करनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो इन वीडियोस का यही उद्देश्य है, और इसीलिए मैं कहता हूँ अगर इससे किसी को फायदा हो सकता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। और विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड गुड बाय।